राज्य में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को लेकर विपक्षियों द्वारा टिप्पणी की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्र परिषद लेकर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत पवार ने करारा जवाब दिया है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रूपए प्रति माह मिलेंगे। राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बजट में न सिर्फ लाड़की बहन योजना की घोषणा ही नहीं की, बल्कि इसके लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान भी किया। कांग्रेस के नेत्यांच तुमच्या चैनल वर बघितलं, त्यांचं म्हणणं होतं की अडवाणीला तुम्ही सॉरी अडाणी नाही नाही अंबानीला अंबानीला तुम्ही त्यांचं कर्ज माफ केलं अनिल अंबानीचं, आणि तुम्ही कर्ज घेऊन बहिणीला फसवून राहिले म्हणे त्यांना ते हे 1500 रुपये देऊ। म्हणजे ही योजना आपल्या दुर्बल ज्या बहिणी आहेत त्यांच्याकरता ही योजना लागू केलेली आहे, आणि तुम्ही म्हणता की ही योजना तुम्ही कर्ज घेऊन बहिणींना फसवून राहिले, हे इतकी लाजेची गोष्ट आहे। बरं काँग्रेसवालेच स्वतः करून राहिले, बरं मोठे मोठे बॅनर लावले, मोठे मोठे पोस्टर लावले, त्याच्यानंतर स्वतःचे फोटो लावून राहिले, कॅम्प घेऊन राहिले, मग ते काबरं घेऊन राहिले ते? मग त्यावेळेस ह्या कर्जाच्या पैशाचा उपयोग त्या बहिणींना 1500 रुपये जे देऊन राहिले ते काय वाईट आहे का? सशक्तीकरण की दृष्टि से यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करी है कि कोई भी महिला इस योजना से वंचित न रहे। लेकिन फिर भी विपक्ष द्वारा लगातार इस योजना को लेकर टिप्पणियां की जा रही है। ऐसा कहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पवार द्वारा करारा जवाब दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।